मेरे साथ दिनेश शर्मा जी मौजूद, हमसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, क्या कहेंगे सर, क्योंकि MLC की जो 30 प्रत्याशी हैं आज भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया है, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, यहाँ तक कि समय पार्टी से जो 4 MLC आए थे उनको भी टिकट दिया गया। नहीं देखिए, BJP किसी को जाति और धर्म और क्षेत्र के आधार पर नहीं देती, कामों के आधार पर। और एक अच्छा प्रतिनिधित्व मिल सके और प्रत्याशी जब जनप्रतिनिधि के रूप में आए तो समाज की सेवा के लिए अपने को तत्पर कर सके, ये सारे बिंदु देखकर पार्टी निर्णय लेती है। और मुझको विश्वास है कि जितने भी प्रत्याशी आए हैं निश्चित रूप में वो अच्छी सेवा दे सकेंगे। सर, सपा कह रही है कि हम भी जिताने में कामयाब रहेंगे अपने कैंडिडेट, ये तो विधानसभा के पहले भी कहा है और रिजल्ट आपको पता है। सबको अधिकार है, सही बात है, विपक्ष का भी अधिकार है चुनाव लड़ने का, जनता का अधिकार होता है, जनप्रतिनिधि का अधिकार है कि किसको चुनकर भेजेंगे। सर, योगी सरकार 2 का गठन होगा सर, शपथ ग्रहण समारोह भव्य रूप से किया जा रहा है, आम पब्लिक को भी इनवाइट करने की बात की जा रही है। इसकी सारी सूचना संगठन के द्वारा और सरकार के द्वारा दी जाएगी, क्या कार्यक्रम का स्वरूप क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सारा संगठन देगा। क्या सर कैबिनेट मंत्री भी लेंगे सर शपथ? अभी मैंने कहा इसकी जानकारी दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल है, ये डिप्टी CM दिनेश शर्मा जी हैं और साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उस पर काम करती है और यही वजह है कि जो आज MLC की जो सीटें घोषित की गई हैं, 30 जो प्रत्याशी के नामों का ऐलान किया गया है उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। जो दूसरे विपक्ष से जो MLC समी पार्टी के 4 आए थे उनको भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के नीचे लेवल के जो पदाधिकारी हैं उनको भी जो MLC का टिकट थमाया गया है, और सीधे तौर पर क्योंकि जिस तरह से प्रचंड बहुमत से योगी सरकार 2 का गठन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत साथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश शासन में आई है, सरकार में आई है, लिहाजा इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एक एक जो पदाधिकारी है, एक एक जो नीचे लेवल से लेकर के ऊपर तक जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं जो है इसके पीछे उनकी मेहनत है। लिहाजा ऐसे लोगों को भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने टिकट थमाया है, यानी उनको उपहार दिया है, उनको तोहफा देने का काम किया है। कैमरा के साथ अनुपम भारत समाचार लखनऊ।